रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये जो हुआ है ना तुम्हारे मेरे बीच, कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच रोहित। इट वॉज जस्ट अ मोमेंट एंड इट्स ओवर नाउ। हम उस चीज के बारे में बात करके उस चीज को बढ़ा क्यों रहे हैं? नहीं, यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हो? कम ना, लेट्स डांस। हाउ कुड यू? यार आई एम सॉरी यार, लेकिन इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। आई कैन एक्सप्लेन टू यू। इट्स टू लेट। अना अना, समय सब बदल देता है, तुम चाहो ना चाहो तुम्हें बदल देता है। एंड द पास्ट, वेल इट रिमेन्स जहां वो था, इन द पास्ट। चार साल गुजर गए, चार साल में मैंने सब कुछ खो दिया और सब कुछ पा लिया। चार साल में सब कुछ बदला और कुछ भी नहीं। दूर अपने देश से इस शहर की ऊंचाई पे पहुंच के रोज सोचती हूं कि यहां से उड़ पाऊं। कोशिश है उड़ने की, मगर डर भी है कि कहीं फिर से गिर ना जाऊं। एक मिनट कभी। अरे बाबा, आपका एक घोड़ा थक गया है ना। गेस व्हाट, आप बेबी स्माइलिंग, जस्ट होल्ड हिम ना, ओनली क्लिक अ नाइस पिक्चर ऑफ द टू ऑफ यू। ना ना ना, आई डोंट वांट टू होल्ड हिम, लुक एट हिम, कितना चबी हो गया ये। ए याना, दिस इज नॉट फेयर यार। पिछले तीन साल से ना तुमने उसके साथ एक भी पिक्चर खिंचवाई है, ना ही तुम कभी इसे होल्ड करती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो उसके साथ? क्यों? क्योंकि मुझे फोटोज लेना पसंद नहीं है, सिंपल। कभी मैं सोच रहा हूँ मुझे तुमको एक सेल्फी लेनी चाहिए। क्या बोलते हो, क्या बोलते? अरे आउट। वैसे हरी, आई फील तुम्हें ना कबीर के लिए ये गाना वाना थोड़ा बंद करना पड़ेगा। हाँ, मुझे लगता है बड़े होके ना वो एक कान से उसे कम सुनाई देगा। तुमसे कभी किसी ने कहा नहीं तुम बहुत बुरा गाते हो? तभी तुमने कहा ना। वैसे यू शुड ट्राई इट समटाइम्स, सिंगिंग इज, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू। नहीं, यू डू ऑल द सिंगिंग, आई शैल मेक मनी फॉर कबीर्स फ्यूचर। वैसे सच बताऊं तो मनी, पैसा, ये सब कंज्यूमरिस्टिक नीड्स है यार। देयर इज म्यूजिक इज फॉर द सोल। आई विल गो फॉर कंज्यूमरिज्म, यू गो फॉर योर सोल। थैंक यू वेरी मच। हाउ वाज द ड्राइव इन द मॉर्निंग? ओह, इट वाज वेरी गुड, फैंटास्टिक। इन फैक्ट तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए हरी, बहुत मजा आता है। नहीं यार, आई गेट डैम स्केयर्ड यार, ये सब डेंजरस चीजें ना मेरे बस की नहीं है। तुम इतनी शेल्टर्ड लाइफ क्यों जीते हो? हां, प्रोटेक्टेड लिटिल रिच बॉय। यार सच कहूं तो तुम, यू हैव बीन लिविंग इन द एज। क्या यार, चार साल में बदल गई हो, डेंजरस चीजें कर रही हो। क्या कहते हैं वो, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। आई होप यू रिमेंबर कि चार साल पहले तक तुम काम आना हुआ करती थी और अब। वेल, देर आए दुरुस्त है ना। आज फिर ले क्यों? नॉट फेयर यार, मैंने दाल बुखारा बनाई थी, नल्ली निहारी,
सोचा था खाना खाने के बाद हम अच्छी सी फिल्म देखेंगे। ये रोज का हो रहा है, ऑफिस खत्म करते और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स के लिए निकल जाते। जल्दी आओ हाँ प्लीज, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा दाल बुखारा के साथ। बाय। हाँ बोलो। हाँ आई लव यू। व्हाट व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ब्लैक। कैरी ऑन। स्टॉप इट यार, आई विल स्पीक टू यू लेटर। बाय बाय। लगता है हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ अब तक। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, इतने दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देखा है मैंने। और चाय पियोगी? हाँ बाबा जा रही हूँ मैं। वैसे भी मुझे ये ब्लैक वैक देखने का कोई शौक नहीं। बाय बाय। आई होप यू रिमेम्बर कल सुबह शेख साहब के साथ मीटिंग है, जल्दी उठना है। इन दैट केस आई थिंक वी शुड गो एंड स्लीप। हैरी आना, लेट मी गेस, आना का मूड नहीं है। गुड नाइट। ए ए ए आना। हाँ आई एम मैडली इन लव। I know, and thank you for loving him. Kabir ko pyar karne ke liye thank you. Good night, Harry. Anna, you really want me to leave now? Mr. Somani, just because aap same building mein rehte hain, iska matlab ye nahi ki aap kabhi bhi night suit mein aakar mere ghar mein tapak padein. Let's go. Anna, mujhe hurt kar rahi ho. I mean, tum meri sari cheezon ko joke samajh ke uda deti ho. Acha, listen. Ek minute, yaar. कल ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आई विल सी यू। हम साथ में जा रहे हैं? हाँ साथ में जा रहे हैं। आर यू स्लीपिंग? गुड नाइट। गुड नाइट हैरी। या गुड नाइट। गुड नाइट। तुम तो टोटल मशपॉट हो यार। Shut up and just hug me tight. Hug तो तुम्हारा ये पुराना बहाना है कि मैं तुम्हारे ये love handles को छुपा सकूं। वैसे रोज ऐसे hug करने की क्या जरूरत है? जैसे कि daily soap में 2 साल बात करते हैं। चलो भाई मैं शादीशुदा हूँ, तेरी तरह थोड़ी ना हूँ। मैं तेरा दर्द समझता हूँ यार, मैंने भी ये गलती की 2 बार, but now free as fuck. Only dating, 3 relationships, Tinder, Bumble, Hinge, long lasting relationship with my bike, as free as fuck. भाई ये फ्री भी कुछ नहीं होता है, तुम्हें पता है ना कि हम सब कौन है? हम सब मिड लाइफ क्राइसिस के ना माइंड फक्ड मैन है जो हर एक टर्बुलेंस को हम एक बाइक राइड या यूं से किलोमीटर वाली लंबी मैराथन बना देते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस तेरी चल रही है, मेरी नहीं। मेरी तो तब थी जब मैंने अनन्या से शादी की। अब तो मैं जाऊँ उसे ग्राउंड जीरो कहते हैं मेरे भाई, यहाँ से और नीचे गिरने की जगह ही नहीं। नई जिंदगी, नया नजरिया, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो वन टू केयर फॉर। और मेरे घर में तो कोई नहीं है जो मेरी राह दे, सो इट्स ऑल गुड। ठीक है यार। ओके ऑन मी चांदनी, वन मोर राउंड। अच्छा सुन वैंडी, ये ऑफिस रेनोवेट क्यों हो रहा है यार? हैरी क्रश बना रहा है कबीर के लिए। मैं कबीर को कभी ऑफिस नहीं लेके जाने वाली हूँ। हैरी कह रहा है कि ऐसा ऑफर देगा कि कबीर रिफ्यूज ही ना कर पाए। HR हेड व्हाटएवर।
चेरी, ये सुबह सुबह फेस टाइम किस लिए? मुझे तुम दोनों को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। 3 महीने से इंस्टा स्टोरीज पे लव कोट्स डाल रही है, पक्का कुछ है। खबर ये है that I met a doctor. Doctor? तो प्रेग्नेंट है? बाप तो पता है ना तुझे? बैंडी वो एक थेरेपिस्ट है, he's a shrink. मैं उसे एक डेट पे मिली और वो डेट कुछ मंथ्स तक चली, and now guess what, I'm in love again. I'm telling you guys, this is it. एक बात बता, तुझे श्रिंक से प्यार है कि श्रिंक के श्रिंप से? बैंडी, first of all he's not a shrimp. Secondly मुझे दोनों से प्यार है. I'm in love with him as a whole. This shrink ka shrimp? Actually no. This. He's a full package. Ah, love at first sight. I'm in love at first sight. वही चेरी तू खाना बना रही है? What's wrong with you? Online anatomy की क्लासेस दे रही है. Anyway, इन बैगन से मुझे याद आया. Guess कल रात क्लब में कौन मिला था? रोहित. अपने कुछ बाइकर फ्रेंड्स के साथ था. किसी लड़की से चैट भी कर रहा था. As young as Nikki. मेरी मीटिंग है यार. I'll see you guys. Huh? You carry on. See you. क्या यार? इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या रोहित का नाम सुनके? I mean, किसके साथ है, कहाँ है? 4 साल हो चुके हैं and I think वो totally move on हो चुकी है. But ये normal नहीं है. मुझे पता है time के साथ साथ जख्म बढ़ जाते हैं. Time is a great healer. But कभी-कभी time बहुत बड़ा झूठा भी हो सकता है. हमें लगता है हमारे जख्म बढ़ चुके हैं, हम heal हो चुके हैं. But then there's a boom, an avalanche of emotions open up. मैं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ उससे बात करने की. Hey Anna, this is fantastic, yeah. Trust me. इस साल अगर हम लोग Fortune 500 में नहीं आए ना तो मेरा नाम बदल दें. 3 years, 12 outlets, 3 international collaborations, and the entire international fraternity is vying to buy us out. Girl, you are on a roll. अरे यार, इस important चीज़ थी जो बताना भूल गया था. कबीर का 3rd birthday आ रहा है ना, so I've got something really interesting lined up for it. मीटिंग के बाद में इसके बारे में बात करें, अभी कबीर के बर्थडे को 2 हफ्ते बाकी हैं. God, Anna, कबीर is turning 3, 3 साल का हो रहा है. How time flies, yeah? I agree. Time flies. कहाँ लगाई है इसने गाड़ी, और फोन भी नहीं लग रहा है. अदे, थैंक यू. रोहित, अभी तो दिन के 12 बजे हैं. मेरे लिए क्या दिन और क्या रात. हाँ भाई, कोई काम धंधा तो है नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही मुझे छोड़ गई. एक बना दूं तेरे लिए? नहीं. वैसे तूने रियलाइज किया कि तू कितने कम समय में कितना ज्यादा बदल गया? कभी कभी मुझे लगता है तुझ पे ना किसी ने जादू टोना कर दिया. तू ना थर्सडे को मेरे साथ गुरुजी के यहाँ चलना, फिर सैटरडे को शनि मंदिर भी चलेंगे. मंदिर मंदिर मुझसे नहीं होगा. चल, मैं चला घर. ये भी तो घर है तेरा, यही रुक जाना. ये पता है ना बानी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, तो अभी रहूं कैसे? ना, वो बाइक में पेट्रोल डलवाना है, थोड़े पैसे दे दे. अब कितने पैसे चाहिए तुझे? अब जितने छुट्टे पड़े होंगे तेरे पास, 25-50 हज़ार दे दे. अरे माँ, 1 तारीख आ रही है, भाड़ा भी तो देना है. चल दे दे, दे दे. रोहित ने पैसे मांगे और आपने दे दिए. मना किया था ना मैंने, उसने फिर से पैसे ना ड्रिंक्स के लिए लिए होंगे. अब तो बहुत वीक भी हो गया है. अगर आप ऐसे ही करते रहे तो अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दोगे. पर पूनम, ये पैसे भी तो रोहित के हैं ना, इट बिलोंग्स टू हिम. माँ, आप कुछ दिन हमारे पास रह जाओ. थैंक यू सो मच, बट नो थैंक यू. बेटी कहाँ है तो बेटी के घर में नहीं रह सकती ना. चलो अब चलते हो. माँ, आपका फोन. अरे देखा माँ, छोटी छोटी चीजें भूलने लगे हो, कैसे रहोगे आप अकेले? तो चिंता मत कर, निक्की आ रही है अगले हफ्ते. ये पला?
अरे बड़ा बना बना, लंबी वाली बिल्डिंग बनाते, चलो चलो चलो, इट इज टाइम टू स्लीप। मालती लेकर जाओ कबीर को। नहीं नहीं टाइम को कुछ है, मिलो बच्चों। अरे वो बन जाएगा, चलो बाय कुकू, गुड नाइट मामा, गुड नाइट, गुड नाइट। ये कुकू पुकू क्या है? कुकू बुबू चुपू, प्लीज उसे ये सब मत बुला यार। यार तू तो पूरी हिटलर हो गई है, 7 बजे खाना, 8 बजे सो जाना, और इतने प्यारे बच्चे को कुकू सिंह नहीं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? मास्टर कबीर मेरा, सॉरी गलती से निकल गया। तूने रोहित की लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट देखी क्या? हाँ, वो बंदा ना मिड लाइफ क्राइसिस की पीक पे, मतलब ही इज बिहेविंग लाइक अ 20-year-old बॉय यार। ये बाइकिंग ग्रुप एंड ऑल दैट, और अपने से आधी उम्र की लड़कियों को डेट कर रहा है। बैंडी सीरियसली आई कांट बिलीव कि मैंने उस आदमी से शादी की, सच अ लूजर। मैसेज करता वो अभी? नहीं, बट आई रिमेम्बर वो जब वो कतर आया था, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कबीर। या कितना सॉरी बोला था उसने, यू रिमेम्बर? इट्स बेटर दैट आई डोंट टॉक अबाउट इट। या अच्छा चल छोड़, डिनर के लिए चलते हैं। नहीं यार अभी बहुत लेट हो गया। कोई नहीं, कल लंच, कल काम है ना बैंडी। तुझे क्या लग रहा है मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती? तू क्या करने की कोशिश कर रही है? हाँ ये क्या, ये नाटक क्या है? नॉर्मल होने का नाटक क्या कर रही है तू? इस चक्कर में तेरे जख्म और गहरे हो रहे हैं। Why you are hiding everything? क्या हो गया यार? Stop being so dramatic. I've moved on. I'm over all this mess that you're talking about, Vandy. Point यही है कि 4 साल हो गए पर तुझे देखकर लगता है तेरी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि हुआ है। रोहित ने तुझे धोखा दिया है ना? वो आया सॉरी बोलने के लिए एंड यू कंप्लीटली ब्लॉक्ड हिम। पूरी प्रेगनेंसी तू अकेली रही, अकेले बच्चा पैदा किया, अब तो बच्चा भी 3 साल का होने वाला है, एंड यू बिहेव लाइक जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इट्स लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक। तो क्या करूं मैं? व्हाट डू यू वांट मी टू डू वैंडी? मैं रोती रहूं क्या अपनी जिंदगी भर? कि अपनी जिंदगी के इतने सारे साल मैंने रोहित के साथ बर्बाद कर दिए? यू वांट मी टू रिग्रेट दैट ऑल माय लाइफ? नो, पर मैं कह रही हूं कि जो तू फील कर रही है वो बता तो सही। आई एम फाइन। या यू आर फाइन, आई कैन सी दैट। फाइन ही तो हो तुम, सब कुछ तो है, सक्सेस है, नाम है, पैसा है, बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर का अवार्ड है, बच्चा है, बेइंतहा अंधा प्यार करने वाला एक इंसान है। बेचारा हैरी यार, उसे तो पता भी नहीं कि वो एक मिराज से प्यार करता है। उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी दिन तो रेत में उसे पानी नजर आएगा। क्या बोला अभी तूने 5 मिनट पहले कि मुझे यकीन नहीं होता मैंने अपनी जिंदगी के 9 साल एक लूजर पे वेस्ट कर दिए। कभी देखा है अपने अंदर इतना गुस्सा लिए फिर रही है तू? अंदर से टूटी है, ब्रोकन है, डिस्कनेक्टेड है, इतनी कि अपने खुद के बच्चे से खुलकर प्यार नहीं करती है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसका कनेक्शन तेरे बचपन से तो नहीं है, बचपन का कोई स्कार लेके तो नहीं घूम रही है ना, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। रोहित का तुझे धोखा देना, ये ब्रेकअप, इट हैज हिट यू सो हार्ड एना। क्या हो गई है? बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर तो थी ही, अब बेस्ट आर्किटेक्ट भी बन गई है तू। एंड यू नो व्हाट, तेरा बेस्ट डिजाइन क्या है? ये जो दीवार तूने अपने चारों तरफ घेर ली है, बाहर से देखे तो यस, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, एक ऐसी औरत जो मूव ऑन कर चुकी है नजर आती है, लेकिन अंदर से तू टूटी हुई है, उदास है, तो लोगों पे विश्वास करना भूल चुकी है यार। यू डोंट ट्रस्ट पीपल एनीमोर। इतने इमोशंस छुपा लिए कि अब खुद छुप गई है तू। बैंडी, ये तेरे सारे जो एनालिसिस है ना, ये किसी अच्छी सी मैगजीन में प्रिंट करवा ले, इट विल बी अ नाइस आर्टिकल। बट लेट मी बर्स्ट योर बबल। मैं डिटैच्ड हूं माना, मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिसको जो करना है करो यार, बट आई एम हैप्पी रियली। बाद में बात करते हैं ना, लेट हो रहा है यार, आई हैव टू गो फॉर माय रन इन द मॉर्निंग। वही तो करती है तू आजकल, इतने दिनों बाद मौका मिला कि तुझसे बात करूं, और देख तू फिर भाग गई। कब तक भागेगी यार? मुझे लगा था कि आज तू एटलीस्ट मुझसे एक्सप्रेस करेगी कि हाउ यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, एंड यू आर रनिंग अवे। तू सिर्फ दूसरों से नहीं आना, तू अपने आप से भी भाग रही है। डोंट डू दैट, हम हैं तेरे साथ, तू क्यों नहीं बताती अपने बारे में? हाना प्लीज यार, प्लीज दरवाजा खोलो। हाना 3 महीने से मैं इंतजार कर रहा हूं, प्लीज यार, आई कांट लिव विदाउट यू। रोहित, जो तुमने पूनम के साथ किया वही तुमने मेरे साथ किया। यू नो रोहित, जब मैं पूनम से मिलती थी ना, आई यूज्ड टू बी सो एम्बैरस्ड, और फिर वही गिल्ट मैंने पूनम के चेहरे पे देखी। रोहित, आई वाज सो स्टूपिड, आई ट्रस्टेड यू ब्लाइंडली। रोहित, आई गॉट स्लैप्ड बाय कर्मा। यू आर प्रेग्नेंट अनन, आवर बेबी, हाउ डेयर यू, ही इज मेरा बच्चा, यू गॉट नथिंग टू डू विद इट।
just go from here. The moment you touched her, it was over for me, Rohit. It's over. मैं अगर अभी चला गया, तो फिर मुड़कर कभी नहीं आऊँगा। मैंने एक चीज़ बहुत देर से सीखी है, रोहित। Once a cheater, always a cheater, Rohit. Always a goddamn cheater. इश्क के मुश्क ने तुझे दुनिया से रिहा कर दिया, ऐसे पाकर मुझे खो दिया तूने, मुझे मुझी से जुदा कर दिया। You must be really needing something badly. अंदर आऊं? तुम्हारे चमो को बताया तुम इतने रात कर मेरे घर आए हो? रोहित, प्लीज स्टॉप इट। क्या हाल बना के रखा है? तुम बेटियों से बात नहीं करते हो, काम करना छोड़ दिया है, ऐसा कब तक चलेगा? मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं, मैं खुश हूं उसमें। ड्रंकर और वुमनाइजर के साथ साथ ना अपने ऊपर एक लायर का टैग मत लगाओ। यू नो, मैं समझ रहा हूं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। पहली बार मैं खुद के लिए जी रहा हूं, तुम्हें हजम नहीं हो रहा। प्यार करते हो अभी तक उससे? यार, मैं उससे प्यार करता हूं या नहीं करता हूं इससे तुम्हें क्या लेना देना। और बच्चा? कौन सा बच्चा? वो बच्चा समझ लो मैंने आना को गिफ्ट में दे दिया। अब मैंने दो ही बच्चे हैं, निकी और बानी, जिनको अनफॉर्चुनेटली मेरी जरूरत नहीं। तुमने जमीन आसमान एक कर दी थी उससे शादी करने के लिए। वो भी क्या जमाना था, नहीं पर गया। एंड यू नो व्हाट पूनम, लव से ज्यादा लस्ट की जो मेमोरीज होती है ना, वो इंसान को खुश रखती है। सो आई एम मेकिंग लस्ट मेमोरीज नाउ, लॉट्स ऑफ देम, लॉन्ग लास्टिंग। रोहित बेबी, तुम यहां पर रहो। कम कम कम, हाउ कैन यू मेक मी वेट इन बेड फॉर सो लॉन्ग, दैट्स नॉट फेयर। बेबी, सो सॉरी। ये कौन है? ये मेरी भूतपूर्व पत्नी, माय एक्स वाइफ पूनम, नाउ पू। हाय पू। यस, शी इज माय गर्लफ्रेंड नाउ। व्हाट्स योर नेम बेब? हमें बहुत ज़्यादा विस्की पी लेने तो भूल गए। निशा, माय बेबी निशा। यू नो व्हाट्स अमेजिंग पूनम, हम कल रात को ही बार में मिले, इट वाज सच एन इंस्टेंट कनेक्शन, राइट? और अब मैं सिर्फ आज के लिए जीता हूं, नो बैगेज, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो ब्लडी हम सफर्स। वैसे भी ये सारे हम सफर्स कहने को ही तो होते हैं, और ऐसी ही जिंदगी बेस्ट है, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई परेशानी, सुकून से कट रही है जिंदगी। आज कोई आया, कल वो चला गया। No bloody long-term associations. Yeah, hi, Ananya बोल रही हूँ। कल मेरे बेटे कबीर का बर्थडे है। I want the best party to be organized for him. हाँ, मैं थोड़ा लेट आऊंगी, बट मेरे फ्रेंड्स और अम्मा घर पर ही रहेंगे। कल का दिन बहुत खास है। It's 14th February. आज बहुत ही खास दिन है। मैं कुछ खास करना चाहता हूँ। Hey babe, yeah? Will you marry me? What? Will you marry me? Yes. 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 शादी मजाक है क्या? इसमें मजाक की क्या बात है यार? This is Shadi with Nisha. Disgusting. कबीर का नाम मेरा नहीं रह सकता. He can't have that man's surname. मुझे कुछ करना होगा। उस आदमी का नाम मेरे बेटे के नाम से हटाना पड़ेगा।